हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुनील। फ्रेंड्स, बात की जाए इंडेक्स के एनालिसिस की, तो बिग डेज में हम दोनों इंडेक्स की कंबाइन एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमारा जो गोल रहता है नेक्स्ट इंट्रा डे का रहता है। लेकिन जब बात आ जाती है वीकेंड एनालिसिस की, तो वीकेंड एनालिसिस में हम वो दोनों इंडेक्स को देखना रहता है, इस वजह से हम दोनों इंडेक्स के यहाँ पे सेपरेट एनालिसिस करते हैं। तो ये वीडियो निफ्टी की है, नेक्स्ट वीडियो आपको बैंक निफ्टी की भी डिलीवर कर दी जाएगी। तो वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा, किस तरीके से मैं चार्ट को देखता हूँ, क्या मेरा अप्रोच रहता है। मैं पूरे तरीके से टेक्निकल पे हेल्प करता हूँ, टेक्निकल पे ही मेरा पूरा फोकस रहता है। मैं कोई इंडिकेटर नहीं देखता हूँ, कोई भी अननेसेसरी सारी चीजें नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ प्राइस को रीड करता हूँ, उसी के हिसाब से एक्ट करता हूँ। तो चलिए एक एक करके चीजों को समझ लेते हैं, पूरा डिटेल एनालिसिस होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और टाइम ना हो तो वीडियो को लाइक करके छोड़ दीजिए। चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम से, निफ्टी से हम स्टार्ट करते हैं, और चार्ट का बिहेवियर देखिएगा किस तरीके से। अभी भी मार्केट डेली, मंथली, डेली और मंथली, वीकली, डेली, तीनों टाइम फ्रेम पे आवर्ली भी स्ट्रक्चर बुलिश ही है। स्ट्रक्चर आप ये देखें, कहीं पे मेजर करेक्शन नहीं मिला है, छोटा छोटा करेक्शन यहाँ पे करके मार्केट अपसाइड यहाँ पे जा रहा है। ध्यान से देखें, यहाँ पे एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला, फिर मार्केट अपसाइड में मूव किया, अब फिर से एक करेक्शन मिला। अब देखिए, दो सिनारियो हो सकता है, या तो इस लो को ब्रेक कर दे या तो इस हाई को ब्रेक कर दे। इस लो को ब्रेक कर देगा तो फिर हम यहाँ तक का टारगेट इजिली यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। इस कैंडल के लो तक का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं, जो कि लेवल है 21,100 का, यहाँ तक का टारगेट हम इसको इजिली प्लान कर सकते हैं। तो चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, अपसाइड का भी पोटेंशियल टारगेट निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास हार्मोनिक पैटर्न है, तो उससे हम अभी दोनों टारगेट क्लियर कर लेते हैं। लेकिन चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, इस पूरी रैली में जो रैली हुई है, कभी कहीं पे भी यहाँ पे मेजर करेक्शन देखने को नहीं मिला है। छोटे छोटे करेक्शन जैसे यहाँ पे देखेंगे, तो प्राइस ऊपर गया, लो लगाया, फिर से हाई लगाया, फिर लो, एक लो लगाया, तो थोड़ा सा मेजर अभी इस पूरी इंपल्स का करेक्शन पेंडिंग है। वो कौन सा लेवल है जहां से करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो जब तक ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक नहीं होता है डाउनसाइड में, तब तक करेक्शन स्टार्ट नहीं होगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, तो फिर हम इस पूरी इंपल्स के का करेक्शन, जो एक इंपल्स इसका जो हम गोल्डन रेशियो निकालते हैं कि कहां तक करेक्ट हो जाता है, तो 0.50 आइडियल और 0.618। तो मेजर करेक्शन अभी कहीं पे भी आया नहीं है, लेकिन यहां पे देखेंगे तो ये मेजर करेक्शन आ रहे हैं। यहां पे इस लेग का इतना करेक्शन, फिर से करेक्शन, फिर से अपसाइड, फिर थोड़ा सा करेक्शन, और फिर अपसाइड, फिर से छोटा सा करेक्शन, और इसी तरीके से प्राइस अपसाइड जाता है। तो कहने का ओवरऑल क्या मतलब है, चीजों को समझने, मार्केट कभी भी स्ट्रेट अप या स्ट्रेट डाउन नहीं जाता, और साइडवेज तीन ही मेजर ट्रेंड होते हैं। रीड करना बहुत आसान है, लेकिन लोग इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो नेक्स्ट वीक में हमारे लिए सबसे मेजर इंपॉर्टेंट लेवल यही दोनों लेवल है, इसको चलिए हम मार्क कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके हम रिलेट करते हैं कि कैसे हम अपना इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। तो पहले हम बड़ा व्यू लेके आते हैं, तो इस दोनों लेवल को हम मार्क कर लेते हैं, और मार्क करने के बाद फिर हम आपको समझाते हैं कि वीकली रेंज क्या निकल के आएगी। तो वीकली रेंज हमारे लिए जो है डाउनसाइड में 21,480 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, अपसाइड में 21,850 है। जब तक ये लेवल अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेक नहीं होते हैं, मार्केट इसी रेंज में रह सकता है। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं, तो इस पूरी रेंज को कंसीडर कर सकते हैं। होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी है। अभी इंट्राडे लेवल नहीं मिला है, यही दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट की जो रेंज यहां पर निकल के आ रही है, वो 370-400 पॉइंट की रेंज हमें मिल रही है नेक्स्ट वीक की। तो नेक्स्ट वीक में ये 400 पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, अब इसको हम धीरे धीरे स्विच करेंगे। 400 पॉइंट की रेंज हमें वीकली बेसिस पे मिल जाती है, अब इसी के अंदर हमको प्ले करना है अपना इसी के अंदर हमको प्ले करना है इंट्राडे। अब जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम को छोटा करते जाएंगे, हमें और भी लेवल यहाँ पे मिलते चले जाएंगे। बस हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस चीजों को समझने की कोशिश करना है। अब यहाँ पे देखेंगे, हमें एग्जैक्ट लेवल यहाँ पे मिल चुका है, और डाउन साइड में 21,480। अब यहाँ पे देखिए क्या आपको दिख रहा है, दिख क्या रहा है आपको, ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो स्विंग इजिली यहाँ पे देखने को मिलना है। फर्स्ट स्विंग कहाँ पे है, फर्स्ट स्विंग हमें यहाँ पे मिल जाता है, और उसके बाद जो स्विंग मिल जाता है हमारा यहाँ पे मिल जाता है। तो ये पर्टिकुलर स्विंग हमें मिल जाता है, इस भी लेवल को हम मार्क कर लिए। अब देखिए कितना इजिली हो जाता है लेवल को निकालना, लेकिन ट्रेड करना उतना ही ज्यादा टफ है, क्योंकि एंट्री प्राइस बहुत मैटर करता है, प्रॉपर एंट्री बहुत मैटर करती है। जनरली आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारी बार बताया कि मैं ऑप्शन बाइंग में 5 से 6 पॉइंट ऑप्शन सेल तो मैं जनरली करता नहीं हूं अभी, लेकिन ऑब्जर्वेशन चल रहा है आने वाले टाइम पे उसको भी मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी एक प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, ऑप्शन बाइंग में आपकी एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऑप्शन सेलिंग में आप थोड़ा बहुत 19-20 एंट्री हो जाती है चलेगा, लेकिन ऑप्शन बाइंग में एक पिन पॉइंट एंट्री आपका होना बहुत जरूरी है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन बाइंग में हो जाता है मोमेंटम। तो वो कौन सा लेवल है जहां से मोमेंटम आ सकता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तभी दो चीजें जब आपकी क्लियर हो जाएंगी, प्रॉपर एंट्री, और जब आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर लेवल से ब्रेक होने के बाद एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, तब आप वहां पर अच्छा ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकते हैं। होप आपको चीजें यहां तक क्लियर हो चुकी होंगी फ्रेंड। तो चलिए
अब हमारे लिए मंडे के लिए जो रेंज निकल के आती है मंडे के इंट्राडे के लिए अपसाइड में है 21,750 का और डाउन साइड में है 21,630। तो ओवरऑल अगर कंसीडर करें इस रेंज को तो हमें टोटल रेंज जो मिल जाती है वो मिलती है 120 पॉइंट की। अगर मार्केट इसके अंदर फ्लैट ओपन होता है, ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, टाइम फ्रेम और हम स्विच करेंगे तब हमको और भी क्लियर यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी। तो मंडे के लिए हमारे पास 120 पॉइंट की रेंज मिलती है, अपर साइड में 21,750 ब्रेक होगा, तो आपको डेफिनेटली मालूम है कि ये टारगेट इजिली आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा लाइन को मैं और क्लियर कर देता हूं, ये टारगेट आपको अपसाइड में मिल जाएगा 21,800, जस्ट बीट करिए 21,834 को आप कंसीडर करिए 21,830। अगर 21,750 ब्रेक होता है तो अपसाइड में जो रूम आपको अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ 80 पॉइंट का मूव अवेलेबल है। लेकिन डाउन साइड में क्या है कि अगर 21,630 ब्रेक होता है, थोड़ा सा 10 पॉइंट का बफर रखते हैं, 21,620 ब्रेक होता है तो डाउन साइड में भी हमारे लिए जो रूम है वो 120 से 130 पॉइंट का रूम इजिली मिल जाएगा। तो चलिए टाइम फ्रेम को 15 मिनट पे करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हमारी यहाँ पे प्लानिंग होनी चाहिए। क्या हुआ, ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे देखेंगे चीजों को तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पूरी इंपल्स को देखिए, इस इंपल्स को कंसीडर करिए, उसके बाद इसका करेक्शन, फिर ये कंटिन्यूशन में जा रहा है। लेकिन अगर इस 5 मिनट को देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस का स्ट्रक्चर क्या था, लोअर लो, और मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, बी शेप रिकवरी। तो ये मूव ट्रेड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैं इसको टाइम फ्रेम को छोटा करूं तो आपको प्रोजेक्शन भी थोड़ा समझाते चलूं कि किस तरीके से अगर ये एक्चुअल में बिहेवियर बना होता तो हम इसको ट्रेड कर सकते थे। लॉजिक ये एकदम क्लियर था कि प्राइस इस जगह से प्रॉपर बाउंस करेगी। पहला बाउंस तो यहीं से प्रिडिक्ट था कि यहां पे हो जाएगा, लेकिन अपसाइड में कोई भी स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ तो इसलिए बाइंग नहीं बनी। फिर से लो ब्रेक हुआ एक ट्रेड, लेकिन इसी लो तक का टारगेट हमें मिला। कहने का ओवरऑल क्या मतलब है, अगर ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन गया होता फ्रेंड्स, बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप ये बनता, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता, अपसाइड से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। लेकिन जब ये बी शेप ब्रेक कर जाता है तो कॉन्फिडेंस वहां पे लो हो जाता है और जनरली मैं ट्रेड को इग्नोर करता हूं, फिर पुल बैक का वेट करता हूं कि कोई पुल बैक आ जाए, फिर से मैं बाइंग साइड में इसको कंसीडर करूं। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है, हर टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड बुलिश मिलेगा। तो कहने का क्या मतलब है, ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है मंडे के दिन, और देखिए ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करने का मतलब है बहुत ही ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज मार्केट निफ्टी ऊपर तो जाएगा लेकिन पहले आपके एसएल को हिट कर देता है, उसके बाद प्राइस, क्योंकि आप फॉर्मों में आके जल्दबाजी में ट्रेड कर लेते हैं और पहले एसएल खा जाते हैं, उसके बाद आपको टारगेट मिलता है, उससे आप रिग्रेट करते हैं। तो कहने का ओवरऑल मतलब यह है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाए, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस अगर रेजिस्टेंस पे जाए, अपसाइड टकराए, फिर से डाउन आए, एक इस इंपल्स का करेक्शन मिल जाए, उसके बाद इस हाई को ब्रेक करता है, तब आप कंसीडर करिएगा। देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट दो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। सब रेजिस्टेंस पे क्या होता है कि इसको इस तरीके से ब्रेक कर दे या इस तरीके से ब्रेक कर दे, जनरली दो तरीके के ब्रेकआउट होते हैं। पहला ब्रेकआउट क्या हो गया कि इस तरीके से ब्रेक कर दे, इंपल्सिव ब्रेकआउट हो सकता है, रेजिस्टेंस पे जाए, टकराए, फिर से ब्रेक करे। तो इस ब्रेकआउट में कुछ इस तरीके से कंसीडर करिएगा, ब्रेकआउट बाइंग करिएगा। इस ब्रेकआउट में अगर ब्रेक करता है तो वेट करिएगा, इमीडिएट इंटर मत करिएगा क्योंकि ट्रैप हो सकते हैं, और फिर पुल बैक आ जाए तो फिर से आप यहां पे बाइंग कंसीडर करिएगा। होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, दो पॉइंट ब्रेकआउट के। चलिए थर्ड पॉइंट आ जाता है यहां पे कि अगर प्राइस ओपन हो फ्लैट और अपसाइड रेजिस्टेंस ले, फिर से प्राइस डाउन साइड आए और फिर से अपसाइड जाए, लेकिन इस हाई को ना निकाल पाए और इस लो को ब्रेक कर दे, तब इसी लो के नीचे आप यहां पे सेलिंग भी प्लान कर सकते हैं सपोर्ट तक के लिए। लेकिन तीनों कंडीशन आपको रिमाइंड होनी चाहिए। ये हो गया फ्लैट का सिनारियो। सेकंड सिनारियो आ जाता है कोई बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन के थ्रू ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है। जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस में चीजों को समझाया, क्या हुआ कि आपको मालूम है ये रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस यहां पे था और सेकंड रेजिस्टेंस यहां पे था। क्या हुआ, प्राइस गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद हाई लगाया, फिर से लो लगाया, फिर हाई लगाया। इस हाई को अगर ब्रेक किया होता तो मोमेंटम में प्राइस यहां तक जा सकता था, लेकिन इस लो को ब्रेक किया तो आपको एक ट्रेड मिला। फिर से क्या हुआ, प्राइस इसी रेंज में फंसा रहा, हाई नहीं ब्रेक किया, फिर से लो ब्रेक किया, एक ट्रेड यहां पे मिला। लेकिन इसको आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ट्रेड को करना। इसको कोई ट्रेड करता है मतलब वो लॉजिकल ट्रेड नहीं करता है और रैंडम ट्रेड के पीछे भगता है, इस वजह से वो ट्रेड इसको कैप्चर कर सकता है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है रिवर्सल के। तो चीजों को समझने की कोशिश करिए किस तरीके से। तो तीन कंडीशन यहां पे बनेगी, दो ब्रेकआउट के मैंने बताया, एक यहां पे रिवर्सल का बताया। सेकंड कंडीशन में गैप अप ओपन हो जाता है, अगर प्राइस बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है 70-80 पॉइंट का, ऑलरेडी 750-800 के ऊपर यहां पे कहीं ओपन होता है तो बीट करिएगा। अगर शुरू का मूव डाउन साइड आ जाता है और प्राइस यहां सपोर्ट से कुछ रिवर्सल प्लान कर बनाता है तो आप बुलिश ही रिवर्सल प्लान करिएगा, विद द ट्रेंड प्लान करिएगा। ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिए। फिर एक कंडीशन और आ जाती है गैप अप में, देखिए बोर मत होइएगा, मैं चीजों को आपको सिखा रहा हूं कि गैप अप गैप डाउन फ्लैट कब किस कंडीशन में कितनी कंडीशन अप्लाई हो सकती है। ये कंडीशन हो गई कि गैप अप और शुरू का मूव डाउन साइड आ जाए,
एक कंडीशन होती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि प्राइस ओपन तो होता है लेकिन वो नीचे नहीं आता है। तो अगर नीचे ना आए और रेजिस्टेंस पे जाके कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनाए तो यहीं से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट तक का टारगेट अगर लोअर लो कंटिन्यू करता है तो आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन अगर प्राइस यहां से कुछ इस तरीके का पैटर्न मिला शॉर्ट किए और फिर से प्राइस यहां से घूमता है तो ध्यान रखें कि ये बुलिश मार्केट है और फिर बुलिश ही प्लान करिएगा, अपने ट्रेलिंग एसएल को लीजिएगा और यहां से आप बुलिश रिवर्सल के लिए भी प्लान कर सकते हैं। होप आपको फ्रेंड्स चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए अब देख लेते हैं गैप डाउन। गैप डाउन में हम क्या कर सकते हैं, अगर छोटा सा गैप डाउन ओपन हो जाए तो बीट करिएगा, प्राइस को सपोर्ट पे आने दीजिएगा, फिर से बाउंस करने दीजिएगा, फिर इसको ब्रेक करता है तो आप यहां पे इसको इसके नीचे आप सेल कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन हो जाती है कि अगर प्राइस यहां से ऐसे कुछ रिवर्स करता है तो आप फिर से इस रेजिस्टेंस के लिए और सेकंड इस टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। वो फ्रेंड्स मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको सिखाने के लिए किस तरीके से एक्चुअल में अपनी नेक्स्ट डे की प्लानिंग होती है। गैप अप गैप डाउन फ्लाइट तीन ही सिनारियो हो सकता है, तीनों सारे सिनारियो को मैं अपनी तरफ से आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर कहीं से मुझसे कोई गलती हुई होगी समझाने में, आपके आपको कुछ डाउट होंगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आप लोग वीडियो में अभी तक बने हुए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।